नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए इंदौर में मंगलवार को जन सुनवाई आयोजित की जाती है, जिसके चलते इंदौर कलेक्टर कार्यालय और नगर निगम दोनों ही जगह दोनों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। वहीं नगर निगम में अब अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी अपने विभागों में जन समस्याओं को सुनने के लिए जन सुनवाई की शुरुआत कर रहे हैं। यह शुरुआत MIC सदस्य मनीष शर्मा के द्वारा की गई, जिसके द्वारा आज अपने विभाग पर बैठकर कई लोगों की समस्याओं को सुना गया। दरअसल लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए MIC सदस्य स्वयं जन सुनवाई कर रहे हैं, जहां वह अपने विभाग में सुबह से पहुंच गए और लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ साथ उन्हें तुरंत हल करने का प्रयास भी कर रहे थे। वहीं MIC सदस्य मनीष मामा ने कहा कि लगातार लोगों की शिकायतें मिल रही थी, वहीं कल भी गरीबी रेखा के कार्ड को लेकर भी शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह निश्चय किया गया कि अब मैं स्वयं लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए हफ्ते में एक बार अपने विभाग में जन सुनवाई करूंगा। देखिए, कई प्रकार की शिकायतें आती हैं, क्योंकि मैं शहरी गरीबी उपशमन विभाग का प्रभारी हूँ। जितनी भी माननीय प्रधानमंत्री जी की और केंद्र सरकार की जितनी योजना है, नगर निगम और मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी योजना है, सब नगर निगम से हमारे विभाग द्वारा संचालित होती है और कई प्रकार की शिकायतें मिलती रहती है हमेशा हमको। तो हमने सोचा कि हफ्ते में एक बार हम भी लोगों से मिलें, जनता से सीधा संवाद करें। जो भी हितग्राही कुछ कारणवश लाभ लेने से भी वंचित होता है, तो उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा हितग्राही हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ दिला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजनाओं से जोड़ने को लेकर हमने हफ्ते में एक बार नगर निगम के अधिकारियों के साथ यहाँ पे बैठकर समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण करना और उनको योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हमने यहाँ पर मंगलवार के दिन सुबह से 2-3 घंटे हमने बैठने का एक निर्णय लिया है। और आप देखेंगे अधिकारी भी हमारे साथ ही हैं, नगर निगम के सबके सहयोग से हम हितग्राहियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाएंगे और जो उनकी छोटी मोटी समस्याएं या जो शिकायतें होती है उनकी, उसको भी सुनेंगे और उसका निराकरण करवाएंगे। आपके साथ जो अन्य MIC के मेंबर है, क्या वे भी इस तरीके से जनसुनवाई कर रहे हैं दूसरे विभाग में? देखिए, जैसे चूंकि मेरे विभाग में योजनाओं का लाभ दिलाने का है, तो आपने भी देखा होगा कहीं हमारे को शिकायत आती है, कई बार हम जोन पे जाते हैं या बुलाते हैं, तो इस प्रकार से उनकी समस्याओं के निराकरण हम यहाँ पर मंगलवार के दिन कर दें, यही हमारा सोच था, इसी को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं आज। अन्य MIC मेंबर भी बैठे हैं क्या टाइम? अब ये तो मुझे नहीं पता है। MIC में इसका कोई निर्णय हुआ था अलग से जन सुनवाई करने के लिए? नहीं, मैंने माननीय महापौर जी से बात कर ली थी, महापौर जी के निर्देश के अनुसार ही हम यहाँ बैठे हैं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट TV ऐप।